शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 4 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक जी ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो दोस्तों उनके देश में सैन्य तख्तपलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच में सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी सूडान देश की है। सूडान देश की राजधानी है खार्तूम, यहाँ की करेंसी है सूडानी पौंड, यहाँ के पीएम थे अभी तक अब्दुल्ला हमदोक। हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री ने जो कि अब्दुल्ला हमदोक जी है, इन्होंने ही इस्तीफा देने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएंगी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी इसी हफ्ते में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वाटर टैक्सी का उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विनोद कन्नन जी को विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ होंगे विनोद कन्नन जी। तो दोस्तों बात अभी विस्तारा एयरलाइंस की है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, जिसके अभी करंटली सीईओ बन गए हैं विनोद कन्नन जी। तो दोस्तों हाल ही में विनोद कन्नन जी को विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में रोटेट होती रहती है। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन की कंट्री को ही इसकी अध्यक्षता मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों 14 सालों में पहली बार फ्रांस को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है। तो दोस्तों बात अभी फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की करेंसी यूरो है। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्यों में देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य देश भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। तो दोस्तों एक्चुअली केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए और दोस्तों जयराम ठाकुर जी के हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृहिणी योजना के तहत भी सिलेंडर दिए गए। तो दोस्तों इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसके CM है जयराम ठाकुर, जिसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से COVID-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना था। और दोस्तों मैंने हाल ही में कल ही आपको पढ़ाया था कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश की ही है, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिचर्ड लिकी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों वैज्ञानिक साइंटिस्ट रिचर्ड लिकी जी का हाल ही में निधन हुआ। जीवाश्म साइंटिस्ट रिचर्ड लिकी जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों बैट्समैन और स्पिनर गेंदबाज थे हफीज जी। पाकिस्तान देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऑलराउंडर ही थे दोस्तों मोहम्मद हफीज जी। पाकिस्तान देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चंडीगढ़ पंजाब में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों चंडीगढ़ शहर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चंडीगढ़ पंजाब में कल्पना चावला स्पेस साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्मृति मंदाना जी को 2021 की सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैटर स्मृति मंदाना जी को 2021 की सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ताबड़तोब विस्फोटक लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैटर स्मृति मंदाना जी को 2021 की सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में स्मृति मंदाना जी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जो कि बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित था उसमें उन्होंने 100 भी मार चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू किया। तो दोस्तों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू किया। तो दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया।
तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने अपने देशवासियों को तंदुरुस्त रखने के लिए बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन को शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को कैंपेन को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD एंड CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात अभी जम्मू कश्मीर बैंक की है। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1938 में, 1938 में, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, जिसके MD CEO अभी बलदेव प्रकाश जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में हुई कुछ अपॉइंटमेंट्स आपके साथ साझा करता हूँ। तो संजय कुमार सिंह जी स्टील मंत्रालय इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त हुए। VK त्रिपाठी जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में भी नियुक्त किए गए। और VS पठानिया जी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में चुने गए थे हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर रोहित कुमार जी को बिहार सरकार द्वारा बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस व्यवसाय के लिए RBI से मंजूरी मिली है। तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक अब इंटरनेशनल बिजनेस करेगा, इसीलिए फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। तो बात अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली 25th गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास जी। तो दोस्तों हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय इंटरनेशनल बिजनेस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST में ओडिशा राज्य शीर्ष पे है। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में ओडिशा का GST कलेक्शन 43% बढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में ओडिशा राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अपन आज क्या क्या पढ़े उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक जी ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी भाई प्रधानमंत्री मोदी जी। हाल ही में विनोद कन्नन जी को विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में फ्रांस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। और दोस्तों हाल ही में जीवाश्म साइंटिस्ट रिचर्ड लिकी जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में चंडीगढ़ पंजाब में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में स्मृति मंदाना जी को 2021 की सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया। और हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया, चुना गया। और दोस्तों हाल ही में मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर संस्थापक रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। हाल ही में 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में ओडिशा राज्य शीर्ष पे है। तो दोस्तों यह थे 4 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।